नमस्कार प्यारे दोस्तों, दो सवाल हम लोग के पास खूब आ रहे हैं। एक तो कि भैया इस बार सेट होगा कि नहीं, 21 जुलाई को पोस्टपोन तो नहीं होगा, और दूसरा अगर होगा तो रणनीति क्या हो। थोड़ा सा डर लग रहा है अब क्या पढ़ें, क्योंकि अब केवल 5-6 दिन ही बचे, तो हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। देखिए, पहले सवाल का तो सीधा सीधा उत्तर है, और जब आप हो सकता है वीडियो देखते हो तो उसका उत्तर आपको मिल भी जाए। सेट का एग्जाम होगा अभी तक की जो स्थिति, अगर नहीं होता तो व्यापम एक नोटिस ले आता कि भाई सेट का एग्जाम बढ़ाया जा रहा है। अभी तक अगर ऐसा नोटिस नहीं आया मतलब एग्जाम होगा। कई लोग पुराना नोटिस दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, वो सब अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूं। अगर एक आध दो दिन और लेट होता है एडमिट कार्ड आने में तो भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ लोग का मन ही रहता है, काम ही रहता है अफवाह फैलाना कि बढ़ेगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छे से इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, और एग्जाम 21 जुलाई को ही होगा जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। दूसरा जो सवाल है कि अब अगले 5-6 दिन में हम क्या करें। पहला काम तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो ये बोलें कि एग्जाम नहीं होगा, अब ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन तो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। जो नोटिफिकेशन में है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, दो पेपर होंगे, दोनों के बीच गैप होगा, सब सेम होगा, ऐसा कुछ उथल पुथल नहीं होने वाली। अगली चीज है रणनीति क्या हो। रणनीति देखिए, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। आप अब आखिरी के समय में कम से कम ये करिए ना कि सेट का एग्जाम 3 बार हुआ है, 2017, 18 और 19, तीनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लीजिए। उनके जो ऑप्शन आपको ठीक ठाक लग रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए कि अच्छा ये अगर आ जाए तो क्या होगा वो, क्योंकि रिपीट होते हैं। इसके अलावा मेरी ये सलाह रहेगी कि एमपी सेट भी कम से कम जो अभी लेटेस्ट हुआ है उसका देख लीजिए, एमपी सेट से भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा नया कुछ मत पढ़िए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर कोई लेके आ गया कि ये यही सवाल आएंगे, यही आने वाला है, मतलब नया वो नहीं पढ़ना है आपको, आपके सब्जेक्ट का खासकर। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरा वैल्यू एडिशन हो रहा है, मेरे पास समय है तो पढ़ लीजिए, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, ज्यादा फोकस इसमें होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना है अभी आप बुक स्टोर गए और कोई नई बुक आपको दिख गई तो आप एक नई बुक उठा के ले आए, वो पढ़ नहीं सकते आप। प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप कोई नई किताब पढ़ लो अगले 5-6 दिन में। आपको कोई नया पीडीएफ मिल गया 100-150 पेज का, वो पढ़ लिए, वैसा नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजें जो कर सकते हो आप, अगर आपको कोई नोट्स मिल गए छोटे से 10-12 पेज के, या कोई क्लास मिल गई जो छोटी है जिससे आपको लग रहा है कि आपका कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको आप देख सकते हो। खासकर जैसे अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप यूट्यूब में जाइए और हिस्ट्री मैराथन करके सर्च करिए, हिस्ट्री मैराथन एनटीए नेट। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो उस सब्जेक्ट का पूरा मैराथन 4-5 घंटे में, क्योंकि एनटीए नेट का भी एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से पूरा मैराथन बना के रखते हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपकी अपनी तैयारी, देखिए दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो अपना नोट्स बना के रखें, पूरा सब करके रखें, वो अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, जो पढ़े हैं वही पढ़िए, 4-5-6 दिन इधर उधर मत भटकिए। दूसरे बच्चे वो हैं जो अभी अभी मतलब बहुत ज्यादा उनकी तैयारी नहीं है, फॉर्म भर दिए हैं और एग्जाम दिलाने वाले, उनको मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आप वो मैराथन टाइप की क्लास देख लीजिए। उससे फायदा आपको ये होगा कि मतलब वहां सेट में ना तुक्का ही लगाना है, तुक्का का सेंस थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लगाना है। उसके लिए आपको जानकारी पता रहना चाहिए कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, ये इस काल में था या जो भी, तो वो जानकारी के लिए आप अगर पूरा मैराथन देख लेंगे ना, आपका सिलेबस देख लेंगे सिलेबस के हिसाब से, तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पढ़िए वही, मतलब ऐसा कोई चीज मत पढ़िए जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस सामने रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे पेपर 1 का, उसमें पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है, वो 3 बार पूछ चुका, तो वो आप थोड़ा सा ज्यादा सर्च करके देख लो, उससे आपको मदद मिलेगी और सवाल सीधे सीधे रिपीट भी हो रहे हैं। मैं ये बोलूंगा पेपर 1 के लिए, जैसे हम लोगों के भी बहुत सारे वीडियो हैं, अभी हम लोग एक मैराथन सीरीज चालू की है वो नए बच्चों के लिए जिनका पहले से तैयारी नहीं है, जिनका बिल्कुल जीरो बेस है उनके लिए, कि भाई रिसर्च आपको नहीं भी बनती तो आप अगर वो वीडियो देख के जाएंगे तो 5 सवाल में से 4 तो आपके हो जाएंगे। अगर हायर एजुकेशन आपका नहीं बनता 5 में 4 हो जाएंगे। तो हम लोग का टारगेट ये है कि कम से कम आपके उस वीडियो से 80% सवाल, मतलब 50 में से 40 के आसपास सवाल आए। इसके अलावा आप पेपर 1 का जो हमारा PYQ वाला सीरीज है वो भी देख सकते हैं, उसमें हम लोग ये बताएं कि कोई भी सवाल को आप टेकल कैसे करो, इंटेलिजेंट गेस कैसे करो। एक तो होता है उत्तर बताना, दूसरा होता है उत्तर तक कैसे पहुंचना है। एक तुक्का वाला वीडियो भी है जो आप आलोचना करो ना करो तुक्का सबको मारना है, मतलब कोई ये बेवकूफी करके मत आना कि मैं 4 सवाल छोड़ के आया, क्योंकि उसमें
पूछता है कि आपने कितने सवालों को अटेंड नहीं किया, आप निल करके ही आइए और थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां तुक्का मारिए। सेट ना खेल तुक्के कहिए, मतलब उसका तुक्का नहीं लगेगा जिससे कुछ नहीं बनता, लेकिन उसका जरूर लगेगा अगर आपके पास थोड़ा भी ज्ञान है ना, आप अपना थोड़ा भी दिमाग यूज किए तो आराम से आपका तुक्का लगेगा। और सेट वाले नेट वाले खुद चाहते हैं कि आप तुक्का लगाओ, अगर वो ये नहीं चाहते तो वो निगेटिव मार्किंग रख देते। वो बोल रहे हैं बस आपको ना समझना है, और सवाल में ही उत्तर रहता है। वही चीज मैं कई चीजों सवालों में समझाया हूँ, आप तुक्का वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला देख सकते हैं, और अभी हमारी मैराथन की सीरीज चालू हुई है वो देख सकते हैं, और कोई भी देख सकते हैं। मतलब मैं ये बोलूंगा हमारा मत देखिए, लेकिन वीडियो जो आपको काम के लगे ना वो देखिए। कोई बुक के पीछे मत भागिए कि कोई नई बुक मिल गई उससे सब मिल जाएगा, उसके पीछे मत भागिए, अच्छे से दिलाइए। 2-3 सलाह और मैं दूंगा, एग्जाम क्योंकि ऑफलाइन होना है, तो अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है ना वो गोला भरने की, तो गोला भरने की प्रैक्टिस कर लो, मतलब वो जरूरी रहता है, एक आध आप ले लो। एमसीक्यू आप लगा के रखो, थोड़ा सा दिमाग ना उस लेवल में आ जाए कि आप एमसीक्यू देखो, आप आंसर देखो, उसके हिसाब से टिक करो। आप ये भी ध्यान रखो कि नहीं वाली गलती नहीं करना है, कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है और हम है करके टिक मार के आ जाते हैं, ये सब ना पाप है, महापाप है, ऐसे पाप हमको नहीं करना है। जो सवाल बनते हैं पहले उनको बनाना है। पेपर 1 में आपको सीधा सीधा ये स्ट्रेटजी रखना है कि भाई जो जैसे क्या बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं या आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं, कुछ सवाल ना ऑप्शन देख के भी बनते हैं, मतलब आपसे भले वो नहीं बन रहे लेकिन आप ऑप्शन 4 देखो, आपको पता है ना कि इन 4 में से ही एक उत्तर है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो कि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। कुछ में ऑप्शन आसपास के रहते हैं कि पूछता है कि आप डिमांड बढ़ाने से सप्लाई कम होगी या सप्लाई अधिक होगी, अब उत्तर या तो सप्लाई कम होगी होगी या अधिक होगी, जनरली दोनों में से एक उत्तर होता है, अगर 2 ऑप्शन आसपास के हैं ना तो दोनों में से एक उत्तर होता है। ऐसा कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के दिमाग लगाइए, अपने दिमाग को उसके लिए बनाइए, उसके लिए एडमिट कार्ड आपका आधार कार्ड जो है वो तैयार रखिए, सेंटर जब आ जाएगा तो उसको पता कर लीजिए, समय से पहले पहुंच जाइए। बीच का जो समय है उसमें हड़बड़ाना मत कि क्वेश्चन मिला रहे हैं कि भाई इसका क्या हुआ, दिमाग खराब होता है क्योंकि, और हाइड्रेटेड रहो, अपनी तबीयत ठीक रखो, बढ़िया से तैयारी करो, जो हम लोग की मदद हो सकती है वो बताइएगा। वीडियो अगर आप नहीं देख सकते ना तो हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल भी है सेट नेट गो का, उसमें जाके पीडीएफ हम लोग डाल देंगे, तो आप पीडीएफ पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ने में तो 4-5 मिनट लगता है। तो इस टाइप का काम आप जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होती वो करिए, और कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल हम लोग को बताइएगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी जान लगा दो, परीक्षा में सफल होना है, आराम से हम सफल होंगे, बढ़िया से सफल होंगे। धन्यवाद।